ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो भोपाल आए और भोपाल की चाय और पोहे का आनंद ना ले, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ हैं रजा मुराद साहब जो भोपाल की चाय का आनंद ले रहे हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि वे यहाँ पर एमपी नगर की बड़ी होटल में रुके, उसके बावजूद भी एक होटल पर आकर चाय पी रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, भोपाल की गलियों की चाय, भोपाल का पोहा, भोपाल की जलेबी, और जिस प्यार से ये खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, आनंद तो उसी का है। हर होटल में आपको चाय मिलती है, हर होटल में आपको खाना मिलता है, लेकिन इस पोहे का, इस जलेबी का और इस चाय का जो एक स्वाद है, ये आपको कहीं मिलता नहीं। मैं यहाँ पढ़ चुका हूँ, यहाँ से मैंने हाई सेकेंडरी किया था 1968 में, तो मुझे याद है कि जब हमारी परीक्षाएं होती थीं तो हम अपनी किताबें लेके आ जाते थे और चाय की दुकान पे आते थे, चाय पीते थे, पोहा खाते थे, जलेबी खाते थे, रट्टा मारते थे, तो बड़े प्यार से हमें खिलाया पिलाया जाता था। बस वही दिन हमें याद आते हैं, वही हमारे पीते हुए दिन, बड़ा आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है उन दिनों को याद करके। वो हमारी बुनियाद हैं, वो हमारी जड़ें हैं। अगर इंसान उन दिनों को भूल जाए, अपने बीते हुए दिनों को भूल जाए, तो कभी उसकी बुनियाद मजबूत नहीं हो सकती। तो कामयाबी या नाकामी जो है वो तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है हर इंसान के लिए कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, एक साधारण सा जीवन, सादगी भरा जीवन गुजारने की कोशिश करें, आम आदमी से संपर्क रखें, आम आदमी के विचार जानें, उससे अपनी खुशियां बांटें। मैं कभी कोई मेरे साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है या ऑटोग्राफ लेना चाहता है, मैं कभी मना नहीं करता। उसकी वजह यह है कि उसके साथ तस्वीर खिंचवाना या उसे ऑटोग्राफ देना, ये तो मेरे लिए चंद सेकंडों की बात है, लेकिन उसके लिए एक सारी जिंदगी की यादगार है। तो मैं ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिंदगी में। ये हमारे मित्र हैं राजीव श्रीवास्तव, इनका ये होटल है। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, तो उन्होंने एक पार्टी दी थी और जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे तो उस खुशी में उन्होंने पार्टी अपने बाकी करीबी दोस्तों को बुलाया था, तो बच्चन साहब भी आए थे। तो राजीव बहुत बड़े बच्चन साहब के फैन हैं, प्रशंसक हैं, तो बड़ा अच्छा मौका था बच्चन साहब से मिलवाने का। और मैंने कहा उनसे, मैंने कहा ये सबसे बड़े आपके फैन हैं और खासतौर से ये आपसे मिलने के लिए आए। उसी वक्त ये एक यादगार तस्वीर है राजीव की, मेरी, शत्रुघ्न सिन्हा जी की और बच्चन साहब की। तो बड़ी अच्छी वो एक पार्टी थी, सिर्फ उसके बहुत करीबी दोस्त, और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि शत्रुघ्न सिन्हा जी मुझे बहुत अपना करीबी दोस्त समझते हैं। ऐसी कोई पार्टी उनके यहाँ नहीं होती जिसमें मुझे ना बुलाया है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मुझे इस बात पे गर्व। इन्हीं बातों में एक बात ये भी निकल कर आती है कि कई जो ऐसी सेलिब्रिटीज रहती है, ऐसे शख्स रहते हैं जो एक खासा मुकाम हासिल करने के बाद इस जगह को भूल जाते हैं, लेकिन वो आपने अभी भी कायम है। देखिए, वो इस जगह को भूल जाते हैं, फिर ऐसा वक्त भी आता है कि लोग उनको भूल जाते हैं। ये तो दुनिया का तरीका है, दुनिया का उसूल है कि जो आप बोगे वही आप पाओगे। प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा, आप बेरुखी से पेश आएंगे, ठीक है आपका टाइम चल रहा है, जब आपका टाइम नहीं चलेगा, जब आपने प्यार नहीं बांटा, तो आपको वो चीज़ मिलेगी कैसे? तो मैं इस बात में यकीन करता हूँ। आपको भोपाल आना लगातार बना रहता है, तो आप भोपाल की ऐसी कौन सी गलियाँ हैं जहाँ जाना पसंद करते हैं, और क्या ऐसी जगह जो पुरानी यादें ताज़ा करती हैं? सारा भोपाल जो है मेरा अपना है, हर गली भोपाल की मेरी अपनी है। जब मैं पढ़ता था तो ये तो एक सुनसान इलाका हुआ करता था, यहाँ कुछ एमपी नगर नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, और हम हबीबगंज आते थे तो लगता था कि हम भोपाल से बहुत दूर आ गए। मिसरौ जाते थे तो लगता था कि बिल्कुल हम भोपाल से सैकड़ों मील दूर पहुँच गए। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत डेवलप हो रहा है भोपाल, खुशी की बात है। और जो ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने इस शहर को एक खूबसूरती बख्शी है, यहाँ की जो झीलें हैं, यहाँ के जो
पहाड़ है, यहाँ की जो एक कुदरती खूबसूरती है, मैं समझता हूँ कि कश्मीर के बाद अगर कोई शहर मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है तो वो भोपाल है। और ना सिर्फ भोपाल, भोपाल के लोग, भोपाल की चाय माए, भोपाल का गुटका मुटका, भोपाल का पान मान, वो जो है वो जो एक अपनाइयत है, वो जो एक प्यार मोहब्बत है लोगों में, उसका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है, वो आप पैसों से खरीद नहीं सकते। आपने भोपाल के बारे में इतना बताया, आप भोपाल में फिल्मों की शूटिंग भी काफी शुरू हो गई है, क्या मानते हैं इस चीज़? देखिए, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्रकाश झा जी का कि वो जो हैं ये वो एक जनक हो गए हैं शूटिंगों के। यहाँ पे यही भोपाल था, यही खूबसूरती थी, यही मंदिर थे, लेकिन कोई आता नहीं था, उन्होंने दरवाजे खोल दिए। तो इससे अच्छा है भोपाल के लोगों को भी जो है मौके मिल रहे हैं, यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, बड़ा उनमें बड़ी प्रतिभा है, उन्हें भी मौके मिल रहे हैं उभरने के। तो जिसमें बात है, जिसमें टैलेंट है, जिसमें प्रतिभा है, वो तो आगे उसे आना ही आना है। हजार बर्ग रहे, लाख आंधियां हैं, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जो फूल, जिन फूलों को खिलना है वो तो खिल के रहते हैं, उन्हें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं। तो ये कुदरत ने भी एक बहुत अच्छा एक जरिया बना दिया है यहाँ के जो मुकामी लोकल कलाकार हैं, उनको उभरने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है जो बाहर के। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मैंने ये बात कही थी सरकार से, शिवराज सिंह जी से भी कही थी कि जो भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आते हैं, आपको उन्हें जो सुविधाएं देनी है आप दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये शर्त रखिए कि 20% आप जो कलाकार हैं आप वो यहाँ के हैं। तो यहाँ के लोगों को अगर लाभ ना हो तो फिर फायदा क्या? जाते एक आखिरी सवाल ये कि भोपाल में फिल्म की शूटिंग तो चली रही है, साथ में आपकी जो आवाज़ है वो सुनने का मौका दर्शकों कब मिलने वाला, कोई आने वाली फिल्म आपकी? हाँ, अभी मेरी दो अच्छी फिल्में आ रही हैं, एक तो रामलीला आ रही है, संजय लीला भंसाली की है, उसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, उसमें मैं गाँव के मुखिया का रोल कर रहा हूँ। और दूसरी आ रही है करण जौहर की फिल्म, उसमें संजय दत्त, बराम हाशमी, रणदीप हुडा, कंगना रनौत, आपका ये खादिम, तो वो भी फिल्म आ रही है, उसका नाम है उंगली। हाँ, तो ये दो फिल्में जो हैं हम करीब आने वाली हैं, उसके बाद और फिल्में भी कतार में। तो ये थे हमारे साथ रजा मुराद साहब, जिन्होंने हमें बताया कि उनकी फिल्में जो आने वाली हैं वो करण जौहर साहब के साथ दी है और संजय लगनसारी के साथ दी है, और साथ ही उन्होंने आज भोपाल में एक छोटी सी जगह पर अगर चाय की चुस्कियों का जन्म लिया, और साथ में ये भी बताया कि वो भोपाल से उनका गहरा नाता है, वो इसी तरह आते रहेंगे और भोपाल के जो लोग हैं उनसे भी लगातार मुलाकात करते रहेंगे। कैमरामैन विजय सिंह के साथ शरद बाघेला, बंसल, भोपाल।